हेलो फ्रेंड्स, मैं समर समर एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आप देख पा रहे हैं कि हमने कुछ टूल्स लिए हैं और टीन कनस्तर लिया है, जो टीन का होता है ऑयल का। फ्रेंड, ये जो मशीन आप मैंने बनाई है, ये ड्रिल मशीन से कटर मशीन ग्राइंडिंग मशीन बनाई है, तो आप जाकर मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं या इसका लिंक वीडियो का आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आप कटर यूज़ कर सकते हैं इन तीनों में से, आप कैंची यूज़ कर सकते हैं या आप ब्लेड यूज़ कर सकते हैं। तो इसे थोड़ा फ्लैट कर लेते हैं जिससे कि हम इसका इसे यूज़ ले सकें, इसका काम ले सकें। फ्रेंड्स, बता दूं कि यह वीडियो अभी शॉर्ट बनाई गई है, इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुकी है यही, तो वो लॉन्ग बनाई गई है फ्रेंड्स, 23-24 मिनट के। लेकिन फ्रेंड्स, उसमें फुल नॉलेज दी गई है, शुरू से लेकर एंड तक क्या क्या सावधानी है, सब चीज़ टोटल उसमें बताई गई है, इसलिए वो वीडियो फ्रेंड्स लंबी बनाई गई थी। इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट बनाया गया इससे कि आपका टाइम बच सके और आप चाहे इसे देख के बना सकते हैं। अगर आपको फुल जानकारी चाहिए तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, आप उसे फुल देख सकते हैं पूरी वीडियो को। तो आप वीडियो देखते रहिए, आप समझ जाएंगे मैंने किस किस तरीके से वीडियो बनाई है। तो यहाँ कुछ कट लगा दिए दोस्तों, देखिए अभी हमने इसको इस पर चढ़ा दिया है जिससे कि मोटर भीगे ना और ये वाटरप्रूफ हो जाए। तो हमने कुछ इस तरीके से राउंड शेप में करके इसे कट लगा दिए हैं, आगे से फैली रहेगी ये, पीछे से छोटी रहेगी ये, जिससे कि पानी रुके ना। अब यहाँ पे हम इसमें कट लगा लेंगे, यानी हम इसे यहाँ से काट देंगे। फ्रेंड्स, निशान लगा कर ही काटें जिससे छोटी बड़ी ना हो और एक्यूरेट बैठे हर चीज़। देखिए दोस्तों, अगर आपको फुल नॉलेज लेनी हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, इससे पहले जो बनाई थी वो थोड़ी लॉन्ग है, ये थोड़ी शॉर्ट में है। फ्रेंड्स, प्लीज़ वर्क थोड़ा स्लोली स्लोली कीजिए अगर आप नए हैं। मैं नहीं चाहते कि आप इंजर्ड हो, थोड़ा सी भी आपको चोट लगे, कुछ हाथ कटे आपका, तो क्योंकि नए पर्सन होता है ना तो गड़बड़ होने के चांस ज़्यादा रहते हैं और सावधान नहीं बरतते। दोस्तों, इसमें आपको बहुत फास्ट में दिखाया गया है जिससे कि आपको टाइम बचे, आपका नॉलेज मिल सके आपको फुल। तो ये आपके देख रहे जो चरपाई होती है उसका जो पाया होता है ना लेग्स, तो उस पर हमने लगा कर राउंड शेप में कर लिया है जिससे कि गोल हो जाए, क्योंकि जैसे घर में कुछ टूल नहीं होते तो ये टूल आपको सबको मिल जाता है। दोस्तों, मैं मार्केट से ला सकता हूँ टूल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद अपने आप बनाएं, जो आपके घर में टूल होते हैं ना उन चीज़ों को यूज़ करके, घर की जो चीज़ होती है उसको यूज़ कर कर आप हर चीज़ बनाएं, जैसे मैं वीडियो में बनाता हूँ। तो आप इसको गोल कर इसे राउंड में काट लेते हैं, ये हमने राउंड में काटा, आप वीडियो बने रहिए, देखते रहिए। दोस्तों, वीडियो बिल्कुल भी फालतू नहीं बनाई गई है, बहुत ही शॉर्ट बनाई गई है, तो प्लीज़ वीडियो फुल देखें जिससे आपको नॉलेज मिल सके फुल। और अगर कुछ भी कमेंट कुछ भी रहेगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। तो ये हमने यहाँ से एक तरह का फ्रेंड इसे कंटेनर टाइप का बना लिया है, बॉक्स नुमा कंटेनर होता है ना कुछ रखने का, उस टाइप बना लिया और हमने इसे मोटर पर चढ़ा दिया है। अब दोस्तों, हमें इसे वाटर प्रूफ करना है। ये फ्रेंड्स वायर ले लिया है, 13-14-15 गेज का होता है वायर ये तो आप जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये तो 15 गेज का वायर है और हमने इसका रिंग बना लिया, एक तरह का जो जाल होता है ना फैन का, उसका बराबर ही हमने नाप लेकर उसकी डायमेंशन लेकर ली हमने बना लिया है। ये हम फ्रेंड्स इसका रिंग बना रहे हैं जो इस पर रुके, जो हमने रिंग बनाया था पहले बड़े वाले आपको दिखाया था उसका, ये कि बीच में लग रहा है ना, इसको बनाने के लिए हमने लिया था इस तरीके का। तो हमने फ्रेंड्स दो तरीके से आपको बनाए दिखाए, एक ये तरीका है, एक ये दूसरा तरीका, दोनों है सेम लेकिन बस वायर का फ़र्क है। यहाँ हमने MC ले ली है चिपकाने के लिए, तो 10 मिनट में देखे फ्रेंड्स ये सूख के ऐसी होगी बिल्कुल टाइट। तो ये वाटर प्रूफ होती है, हीट प्रूफ भी होती है। ये हमने कुछ जाल लिए हैं दोस्तों, पुराना जाल लिया था मैंने अपने कूलर का ही, उसे मैंने दो तरफ लपेट कर इस तरीके से बैंडिंग कर लिया है। देखिए दोनों तरफ जाल बांध के बीच में इसे हमने फिक्स कर लिया है, जैसे बर्गर होता है ना एक तरह का, इस तरीके का। तो अब आप देखते रहिए, जैसे ये मैंने ट्रे बनाई है, आपने वीडियो को स्टार्टिंग में देखा होगा कि ट्रे में से पानी फ्लो होकर जाता है, नीचे गिरता है, आप वहाँ बाल्टी रख सकते हैं, कनस्तर रख सकते हैं, उसके लिए यूज़ की गई है जिससे कि पानी गिरे ना। देखिए तो ये इसमें लगा गया इससे कि ये इस पर रुका रहे, स्टैंड के जो स्टैंड होता है ना मोटर को रोकता होल्ड करता उस पर। दोस्तों, दूरी थोड़ी बना के इसमें रखी है जिससे कि पानी जब ये हवा फेंकेगा तो उसके साथ पानी ना आए। तो यकीन मानिए दूरी आप बना कर रखोगे 1-2 इंची कम से कम जाली के इसमें ग्रास के बीच में, तो बिल्कुल भी पानी की एक बूंद भी आपके ऊपर नहीं आएगी, ये मेरा दावा है क्योंकि मैं प्रैक्टिकली कर चुका हूँ और आपको इस बारे बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये काम कर चुका हूँ। इससे पहले और वीडियो पड़ी है फैन के ऊपर, आप वो भी देख सकते हैं, उसका आपको एक्सपीरियंस अलग मिलेगा, इसका एक्सपीरियंस आपको अलग होगा। तो ये पाइप जो लिया दोस्तों, फ्लेक्सीबल बैटन ये होती है पाइप कहते हैं इसे, ये 1/2 इंच में है, 12.5 mm में, ये 5 रुपये फिट का, सॉरी 5 रुपये मीटर का आता है दोस्तों। इसमें लिया आप चाहे तो PVC पाइप यूज़ कर सकते हैं, ये हमने कनस्तर लिया है, आप चाहे तो इसमें इसके लिए फ्रेंड्स आप यूज़ कर सकते हैं बाल्टी या कोई चौड़ा कंटेनर हो।
ये 18 वाट का मोटर पंप है जो कूलरों में लगता है, उसमें लिया है हमने ये। तो योगी फ्रेंड्स इजीली मिल जाता है, इसके तार लगाने बोर्ड में 220 वोल्ट से देनी है लाइट से। ग्लूगन से हमने इसे वाटर प्रूफ कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ा पानी डाल के इसमें चेक कर लेते हैं कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। दोस्तों मुझे फास्ट इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो छोटी है, बातें बहुत सारी हैं, तो उसके लिए माफ़ कीजिए कुछ गलती हो। फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, मैं 100% सक्सेसफुल हो चुका हूँ। आप भी सक्सेसफुल कीजिए, वीडियो को देखकर आप काम करिए। तो दोस्तों बहुत ठंडी हवा दे रहा है और ये हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। तो फ्रेंड्स आपने मुझे इतना वक्त दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।